एज वी ऑल नो सर कि 5th मई को हमारा नीट का एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, सो ऐसी क्या बातें हैं जो एस्पिरेंट्स अवॉइड कर सकते हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे वो फोकस कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस क्रूशियल टाइम? इन लास्ट 2-3 डेज में तो अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन ऐसा होता है कि ऐसा लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब सिलेबस अपने ग्रिप में फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो एक तो इस बात से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल है कि बहुत सारा सिलेबस है ना, तो 100% रिकॉल नहीं हो पाता है। लेकिन हर टॉपिक में 75-80% पे कमांड रहती ही है सबकी। जो थोड़ा थोड़ा पार्ट हर चैप्टर में, हर टॉपिक में भूल रहा है, वो बहुत परेशान करता है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में तो हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन ही बनते हैं। तो मोस्टली जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है या जो अपनी प्रैक्टिस में इंडिविजुअल टॉपिक अच्छा करते रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो जो भी उनकी तैयारी है, उसमें से उनको टेस्ट उतना ज़रूर मिलता है कि वो एक अच्छा स्कोर वहाँ ले सके। तो ये घबराहट होनी है, लेकिन उनको घबराना नहीं है, उनको समझना है। इवन जो बहुत अच्छे रैंक लेते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स भी इस तरह से घबराहट में रहते हैं, मतलब ये किसी को ग्रिप फील नहीं होता है, ये सबके साथ कॉमन है। तो इसको लेकर के पैनिक ना हो, ये बड़ी नॉर्मल बात है। और अपनी जो भी 2 साल की तैयारी की हुई है, उस पे भरोसा रखें, उस पे ट्रस्ट करते हुए जो है चलें। और जो अभी 2-3 दिन में ऐसे लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि सब तो पढ़ा जा नहीं सकता, तो जितनी भी चीज़ें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हैं, लाइक जैसे फिजिक्स है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री है, या बायो में भी बहुत सारा पार्ट जो जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, वो सब समझा हुआ है, उसकी लास्ट में पे रिवीजन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जो भी ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ा क्रैमिंग थी, जैसे बायो में बहुत सारे चैप्टर्स में एग्जाम्पल्स रहते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहाँ कुछ याद करने जैसा है, क्रैम करने जैसा है, आखिरी 2-3 दिनों में उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए, ताकि वो लास्ट मिनट रिवीजन वहाँ बहुत हेल्पफुल होती है।